हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी आलू टिक्की की रेसिपी, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी होती है। अगर आपको सचमुच में कुछ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना है बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसी की कोटिंग करके इन टिक्कियों को आराम से बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसके बाद थोड़ा सा बटर, और यहाँ पे मैंने लिए हैं गार्लिक जिन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली, 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं जिन्हें चॉप कर लिया है हमने, और 5 से 6 गार्लिक हैं जो छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। और इसे अब हम स्टर करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। और अब मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का अनियन जिसे छोटा छोटा चॉप किया है, और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अनियन जब पकने लगेगा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 छोटे छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, जैसे कि 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 छोटे वाले चम्मच धनिया पाउडर, और ये काली मिर्च पाउडर का यूज़ किया हमने 2 पिंच, और ये ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर, 2 चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। और अब इसे धीमे धीमे आंच पर इसे भूनना है। मसालों को भूनने में जो हेल्प करेगा वो है पानी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच पानी डालेंगे, और अब तेल छोड़ने तक इसे भून लेंगे। और अब डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, ये 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जब इस तरह से भूनते हुए हम धनिया को डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और अब हम डाल देंगे ये मैश्ड किया हुआ उबला हुआ आलू, और ये हींग मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अभी डाली है। आप जब तेल गर्म करें तो सबसे पहले हींग डालें। और अब ऐड करेंगे नमक, 4 से 5 आलू हैं ये मीडियम साइज़ के जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और इन्हें मैश कर लिया था, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सब। और यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, आप इसे ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है और बच्चों को भी इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये टिक्की बहुत ही अलग फ्लेवर भी देती हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो होती ही है, और इसका जो आलू है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बढ़िया मिक्स हो गया है। और अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप कॉर्नफ्लेक्स, और अब इस एक छोटी सी कटोरी की हेल्प से हम इसे क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास और भी कोई आइडिया इसे क्रश करने का तो आप ज़रूर करें, बस इसे मिक्सर में बिल्कुल भी ना पीसे वरना ये पाउडर बन जाएगा, और हमें पाउडर नहीं चाहिए, हमें इसे थोड़ा सा क्रश करना है, बस हल्के हल्के से। बस इसी तरह से हम इसे क्रश कर लेते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे से लें, जितना भी आपको ज़रूरत लगे उतना ही आप लें। और अब हम बना लेंगे यहाँ पे स्लरी।
जिसके लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच मैदा, एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, एक पिंच साल्ट, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दी हमने, और ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा पानी, बस इतना कि हमारी कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो पानी आप ज़रा आराम से डालें, एक हमें कोट चाहिए अपनी टिक्की के ऊपर, बस सब बिल्कुल तैयार है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसमें। और अब ये आलू जो है ये ठंडा हो चुका है, और अब हम प्रिपेयर कर लेंगे इसकी ये गोल गोल या जो चाहें आप शेप दे लें। ये टिक्कियाँ हम बना लेंगे, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और ये टिक्की तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और अब ये टिक्के तैयार हो चुके हैं, और अब इस बैटर में इसे डिप करेंगे। इसी तरह से ये अच्छे से कोट करेंगे इससे, और अब ये कोट हो चुके हैं, और अब हम कोट करेंगे कॉर्नफ्लेक्स से। बस इसी तरह से सारी टिक्कियों को कोट करना है, और अब इन्हें डीप फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल लेकर उसे गरम करें और मीडियम से लो फ्लेम पर इसे फ्राई करें। जब तक कि एकदम क्रिस्पी फ्राई नहीं हो जाती हैं, फ्राई करने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब ये हल्के हल्के से बंध जाएं, तब इन्हें इनकी इस फ्लेम को आप हाई कर लें और इसे क्रिस्पी बना लें, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें। धीरे धीरे इनका कलर चेंज होने लगा है, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसे निकालें और सर्व करें। किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, और कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।